इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये दो पीवीसी के पाइप, दोनों दो दो फीट के हैं, और हमें चाहिए दो खाली बॉक्सेस। अगर टिन के हों तो बहुत ही अच्छा है, नीचे से जितने ब्रॉड होंगे उतना ही अच्छा है। ये मैंने लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी जगह आप वाइट सीमेंट या फिर डेंटोप्लास्ट भी ले सकते हैं। हम इसको पानी मिलाकर एक थिक पेस्ट बनाएंगे और इस थिक पेस्ट को फिर हम इन खाली डब्बों में डालेंगे। पूरा नहीं भरेंगे, थोड़ा कम भरेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बॉक्स में डाल लेंगे और उसके बाद जो हमारा पीवीसी का पाइप है उसको इसके अंदर खड़ा कर देंगे, और जो बाकी स्पेस बचा है उसमें भी उसको भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से भर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरा बॉक्स भी तैयार कर लेना है। इसको सूखने के लिए रख देंगे, इसको लगभग एक दिन या जैसा आजकल मौसम है बारिशों का तो दो दिन भी इसको लग सकते हैं। इसको पहले अच्छी तरीके से फिक्स हो जाने दीजिएगा। अब ये देखिए, ये सूख गया है और इसको ऊपर से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसको चाकू को गर्म करके आप आसानी से कट कर सकते हैं। इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये एक फैंसी कपड़ा लिया है। ये देखिए, इसको हमने चिपका दिया ग्लू गन की हेल्प से, और जो बाकी स्पेसेस हैं उसको आप लेसेस से कवर कर सकते हैं। ये डेकोरेशन आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है, आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं या फिर कुंदन वगैरह लगाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपड़ा और लेसेस का इस्तेमाल किया है। और अब ये जो हमारा ऊपर का पीवीसी का पाइप है, इसको मैं यहाँ पर पिंक कलर के स्प्रे पेंट से कलर करूँगी। आप चाहें तो फैब्रिक पेंट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने ली है ग्लिटर की शीट, और इसको बीच में से जितना हमारा पीवीसी का पाइप है उतना एक होल कर लिया, और इसको इस तरीके से पीवीसी के पाइप के अंदर हमने डाल के और यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका दिया है। उसके बाद जो ये हमारा अनफिनिश्ड पार्ट है, यहाँ पर भी हम एक लेस चिपका कर इसको पूरा फिनिशिंग दे देंगे। एक हमने ये पतले वाला पीवीसी पाइप लिया है और इसको भी हमने स्प्रे पेंट से पिंक कलर कर लिया है, और उसके ऊपर पूरे पर इस तरीके से लेस लगा ली है। ऐसे ही हमें जो हमने पिलर बनाए हैं उस पर भी हमें इस तरीके से लेस लगा लेनी है। दोनों पिलर को इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। ऊपर वाले पार्ट पर भी ये देखिए मैंने एक लेस लगाई है, और ऊपर वाले पार्ट में जो लेस लगाई है उसमें एक सिरा हम खुला छोड़ेंगे। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पर भी डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने पूरा फूलों का इस पे डेकोरेशन किया है। ये आर्टिफिशियल पत्तियाँ हैं, और ऐसे ही फ्लावर्स, छोटे बड़े फ्लावर्स से और थोड़े कलर्ड, पूरे के पूरे हम इस पिलर को जो है डेकोरेट कर लेंगे। उसके अलावा भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे गोल्डन कलर की पत्तियाँ वगैरह से, या फिर पर्ल की जो हम तार में पिरो के स्ट्रिंग्स बना लेते हैं उससे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। वो मैं इसमें बाद में ऊपर की तरफ थोड़ी सी लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से हम इस पर फूल लगाकर इस पूरे के पूरे पिलर को जो है डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर इसके थोड़ी सी गोल्डन कलर की ये पत्तियाँ लगा दी हैं, थोड़ा सा इसको रॉयल लुक देने के लिए। ये हमारा बीच का पीवीसी पाइप है, ये थोड़ा सा पतला लिया है मैंने उन दोनों पाइप से। ये भी लगभग 2-2.5 फीट के करीब का है, और इसको हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने दो ये बड़े बड़े फ्लावर्स लिए हैं, इनको हम बिल्कुल बीचों बीच इसके लगा देंगे। और इसके एक साइड में हम पूरी फूलों की डेकोरेशन करेंगे, और दूसरी साइड में हम थोड़ा सा ओपन रहने देंगे। इसी तरीके का हमने इसका डेकोरेशन किया है। ये देखिए, इसके साथ गोल्डन के साथ हमने रेड कलर के फ्लावर्स लगाए हैं, और एक तरफ से हमने पूरा का पूरा इसको फूलों से ढक दिया है, और नीचे लटकन लगाई हैं। अब हम एक मोर बनाएंगे। इसके लिए मैंने ली है ग्लिटर शीट ब्लू कलर की, और उस पर इस तरीके की एक शेप काट ली है। ये हमने ली है बुकरम, और इस पर यू के आकार का, जहाँ पर हम उसके पंख बनाएंगे, एक शेप काट ली है। इसको इसके ऊपर चिपका देंगे और इसको बॉल चेन्स और कुंदन वगैरह से डेकोरेट करेंगे। उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर फिर मैं बॉल चेन से इसकी आउटलाइन बना रही हूँ, और उसके अंदर कुंदन वगैरह से हम डेकोरेट करेंगे। कुंदन, जरकन की चेन, आप चाहें तो 3D आउटलाइनर्स से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मोर का ऊपर का हिस्सा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम बुकरम वाले हिस्से को तैयार करेंगे। इस पर मैंने ये जो है मोर पंख, उनको काट कर इस तरीके से चिपकाया है। पूरे के पूरे बुकरम को हम इससे कवर कर देंगे, और उसके ऊपर ये देखिए मैंने गोल्डन कलर की पत्तियों को काट कर कहीं कहीं चिपका दिया है। तो ये हमारा मोर तैयार हो गया। इसको हम अपने एक पिलर पर ऊपर की तरफ चिपका देंगे, और ये हमारा एक पिलर तैयार हो गया। और दूसरा पिलर पर हमने जिसे फूलों से डेकोरेट किया था वो हमारा इस तरीके से तैयार हो गया।
झूले की पटरी बनाने के लिए अब यहाँ पर लिया है मैंने प्लास्टिक का एक बॉक्स, काफ़ी मजबूत ये बॉक्स है प्लास्टिक का। इसके दोनों तरफ हम डोरियाँ डालने के लिए निशान लगा लेंगे और इसको कोई सलाई को गर्म करके जो है इसमें हम इस तरीके से होल बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने मल्टी कलर का एक कपड़ा लिया है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और इससे हम इस पूरे डब्बे को जो है कवर कर लेंगे इस तरीके से। डोरी हमें पहले डालनी थी, मैंने यहाँ पर ये स्टेप एक गलत कर दिया है, बाद में डोरी डालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे, आप डोरी यहाँ पहले डाल लीजिएगा। और इसके बाद अब हम इस पूरे के पूरे जो हमारी ये पटरी है जिसमें हम अपने ठाकुर जी को बैठाएंगे, इसको हम डेकोरेट करेंगे। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल लेसेज हों उसी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को मैं ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर कान्हा जी के और राधा रानी के ड्रेसेस जो हैं वो आएंगी। और ये देखिए ये मैंने गोल्डन कलर की दो डोरियाँ ले ली हैं और इनको हम यहाँ से मैंने थोड़ा सा कपड़ा हटाया और इनको हम जो है इसके अंदर पिरो लेंगे और अंदर जो है अच्छी तरीके से इसमें गिट्ठा लगा देंगे। गिट्ठा लगाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ी सी ग्लूगन वगैरह भी लगा दें ताकि ये बिल्कुल मजबूत हो जाए, और दूसरी तरफ की भी डोरी ऐसे ही डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको बैलेंस करके देखेंगे। दोनों डोरियाँ बिल्कुल एक लंबाई की होनी चाहिए और इसको पूरे के पूरे कपड़े को हम अंदर इस तरीके से छुपा देंगे। ये हमारा जो है झूलन जो है हमारी वो तैयार हो गई है। अब हम इसकी और आगे डेकोरेशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने अपने झूले में जो है वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स की डेकोरेशन की है, तो यहाँ पर हम थोड़े से ये वाइट कलर के फ्लावर्स लगा रहे हैं, ये देखिए। और इसकी जो झूले की जो डोरियाँ हैं इसको भी सजाने के लिए मैंने वाइट कलर के और पिंक कलर के फ्लावर्स का यूज़ किया है। इस तरीके से हम दोनों डोरियों को डेकोरेट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें दो फॉर्म के पीसेस चाहिए और एक में हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। एक ये थर्माकोल की शीट में भी हमने कटिंग कर ली है और बॉक्स में हम सबसे पहले थर्माकोल की शीट को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्म की शीट को लगाएंगे और एक अलग फॉर्म की शीट को ठाकुर जी और राधा रानी को बिठाने के बाद हम उसमें फ़िक्स करेंगे ताकि वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं और झूलते वक्त कोई हमें रिस्क ना रहे। ये देखिए लगभग ई की शेप का हमने ये फॉर्म का टुकड़ा काटा है और इसको वेलवेट से हमने कवर कर लिया। और ये देखिए झूले की अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये एक पिलर जिसे हमने पूरा का पूरा फूलों से डेकोरेट किया है, ये दूसरा पिलर जिस पर हमने मोर लगाया है और नीचे से फूलों से डेकोरेट किया है, और तीसरा हमारा वो पीवीसी का पाइप है जिसको हमने डेकोरेट किया था, जिस पर हमने ये बीच में झालर लगाई है, और चौथा हमारा ये झूला जो हमने इसके बीचों बीच टांगा है। तो देखिए ये हमारा कितना खूबसूरत एक झूला तैयार हो गया है और ये चार पार्ट्स में बना हुआ है, दो पिलर हैं, ऊपर एक पीवीसी पाइप है और एक अलग से झूला है। इनको आप जब चाहे अलग अलग करके पन्नियों में पैक करके रख सकते हैं और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो इनको निकालिए, असेंबल करिए और आपका भगवान श्री कृष्ण और राधा के झूलन यात्रा के लिए बहुत ही सुंदर सा झूला जो है आपका तैयार हो गया है। ये देखिए ठाकुर जी और राधा रानी फूलों के सुंदर से झूले में विराजित हो चुके हैं झूलन यात्रा के लिए। तो आप भी बनाइए ये झूला आराम से घर में और अपने राधा और कृष्ण जी को सुंदर सुंदर झूले में झूला झुलाइए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। आप चाहें तो इसमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी बिठा सकते हैं, उसके लिए आप जो हमने झूले की सीट बनाई है उसकी बीच वाली फॉर्म की शीट को निकाल दीजिए और ऊपर वाली शीट को केवल रख दीजिए और उसमें आप अपने लड्डू गोपाल को आराम से बैठा सकते हैं। तो देखिए एक तरीके से ये झूला आपके राधा कृष्ण के भी काम आ जाएगा और फिर आपके लड्डू गोपाल के लिए भी काम आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये झूला कैसे लगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।